अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज हम लोगों ने प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में जो टॉपिक पढ़ना है वो है रिहैबिलिटेशन ऑफ एडल्ट्स विद लोअर लिम्ब एम्प्यूटेशंस। इसमें हमने मतलब नेक्स्ट सेक्शन आज स्टार्ट करना है। फर्स्ट सेक्शन हमारा लास्ट लेक्चर में कम्प्लीट हो गया था। अब हम देखेंगे कि रिहैबिलिटेशन में जौन जौन सी एम्प्यूटेशंस की जाती हैं उनके बेनिफिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उनकी सॉकेट की डिज़ाइनिंग किस तरह से होती है, ये सारा कुछ हम अब डिटेल में बारी बारी हर एम्प्यूटेशन लेवल की करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हमने पढ़ना है वो है पार्शल फुट एंड साइम्स एम्प्यूटेशन। जो पार्शल फुट एम्प्यूटेशन है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ अ कॉमन सीक्वेलेट टू डायबिटीज़ एंड वास्कुलर डिजीज़। मतलब ये ज़्यादा कॉमन भी उन लोगों में परफॉर्म किया जाता है जिनमें डायबिटीज़ की वजह से इम्पेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन हो, या जो है हैमर टो जो है वो डेवलप हो गया हो, या अल्सरेशन हो गई हो, तो उनमें एम्प्यूटेशन कर दी जाती है। और उसके अलावा वास्कुलर डिजीज़ मतलब इम्पेयर्ड सर्कुलेशन की वजह से उसमें भी पार्शल फुट एम्प्यूटेशन परफॉर्म की जाती है। एंड व्हाट इज़ साइम्स एम्प्यूटेशन? साइम्स एम्प्यूटेशन इज़ द टाइप ऑफ एम्प्यूटेशन विच इज़ डन थ्रू लेवल ऑफ एंकल जॉइंट। तो इसकी कुछ एडवांटेजेस होती हैं साइम्स एम्प्यूटेशन की। साइम्स एम्प्यूटेशन का गोल ये होता है कि इसमें रिमूव कर दिया जाता है डिजीज टिशू को या डेड टिशू को रिमूव करके, और नॉन यूजेबल फुट को रिमूव करके आप क्रिएट करते हैं एक फंक्शनल पेनलेस लिम्ब। उसके बाद इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो किन किन कंडीशंस में जो ये है ये किया गया या डिटरमिन किए गए कुछ फैक्टर्स जिनकी बेसिस पर ये बताया गया कि पार्शल फुट और साइम्स एम्प्यूटेशन किन किन कंडीशंस में, या इंडिकेशंस आप कह लें। सर्कुलेटरी स्टेटस जिनका पुअर होगा, इम्प्रूव्ड वास्कुलर सर्जरी, इन दोनों की वजह से वास्कुलर सर्जरी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, या वास्कुलर सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। उसके बाद क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ डिस्टल लिम्ब एम्प्यूटेशन। उसके बाद आ जाता है लोअर लिम्ब एम्प्यूटेशन जो है वो 92% ऑफ ऑल प्रोसीजर्स में मतलब ज़्यादा कॉमन है लोअर लिम्ब एम्प्यूटेशन। उसके बाद ट्रॉमेटिक या मेलिग्नेंसी रिलेटेड एम्प्यूटेशन जो हैं वो डिक्रीज हो गई थी इन रेशियो या परसेंटेज फ्रॉम 1988 टू 1996। देन आपका डिसवास्कुलर एम्प्यूटेशन का बताया है कि वो 3% जो है एनुअल राइज उसमें आया था ड्यूरिंग द सेम पीरियड फ्रॉम 1988 टू 1996। फिर उसके बाद बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। तो बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस पे हम आएंगे तो ऑफ पार्शल फुट एंड साइम्स इम्प्यूटेशन या ऑफ डिस्टल एम्प्यूटेशंस। तो इसमें सबसे पहला ये आ जाएगा कि प्राइमरी जो गोल था वो था टू प्रोवाइड द पेशेंट विद अ रेजिडुअल लिम्ब, प्रोवाइड पेशेंट विद अ रेजिडुअल लिम्ब दैट विल अलाउ टू फंक्शन हिम बेस्ट या इन अ अप्रोप्रिएट मैनर या वे। उसके बाद आ जाता है डिस्टल लेवल जो हैं जनरली एसोसिएट होते हैं विद इम्प्रूव्ड अपीयरेंस। इसको क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इम्प्रूव्ड अपीयरेंस मतलब कि एम्प्यूटेशन के बाद जो है वो अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो इसकी ज़रा देखने में प्लेजेंट लगती थी। उसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से इसको ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। फोर्थ वन इज़ बेटर फंक्शन, कि ये जो है उसका फंक्शन जो है या डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो है उसको इतना डिस्टर्ब नहीं करती, वो नॉर्मल अपने जो है फंक्शंस बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है आफ्टर सर्जरी भी, तो इसलिए इसको प्रायोरिटाइज किया जाता था ऑन अदर मेथड्स। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ जॉइंट्स, कि इसमें सिर्फ आप कह लें कि प्रिजर्वेशन ऑफ जॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, इस वजह से इसको ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ जॉइंट्स जिसमें मस्कुलर लिगामेंटस और टेंडाइनस अटैचमेंट्स भी आ जाती हैं, और इसके अलावा हेल्दी इंडिविजुअल्स विद ट्रॉमेटिक एम्प्यूटेशंस। इसमें ये सेकेंडली उन्होंने बताया हुआ है कि जो हेल्दी पर्सन होते हैं जिनमें ट्रॉमेटिक एम्प्यूटेशन हो जाए उसमें जो है ये बेटर परफॉर्म करते हैं देन दोज विद वास्कुलर और अदर सिस्टेमिक डिजीज़। मतलब दो आपके पास पेशेंट्स आए हैं, एक था जिसको ट्रॉमेटिक एम्प्यूटेशन ट्रॉमा की वजह से एम्प्यूटेशन करनी पड़ी, इंजरी हुई या एक्सीडेंट हुआ,
सेकंड था जो डायबिटीज़ या किसी वास्कुलर डिज़ीज़ या सिस्टेमिक डिज़ीज़ की वजह से आया, जिसकी एम्पूटेशन करनी पड़ी, अल्सरेशन हो गई और उसकी वजह से जो है वो पूरा उसका एरिया अफेक्ट हो गया, तो आपको एम्पूटेशन परफॉर्म करनी पड़ी। तो उन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो जो ट्रॉमेटिक एम्पूटेशन वाले पर्सन होंगे वो जो हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं आफ्टर पार्शल या डिस्टल एम्पूटेशन। उसके बाद आता है सर्जरी परफॉर्म विदाउट कंसिडरेशन टू मस्कुलर बैलेंस। ये क्या करती है, सब ऑप्टिमल आउटकम आपका निकालती है, और इसमें आपने जो कंसर्न है मेन फोकस होना चाहिए थेरेपिस्ट का ऑन पेशेंट्स हाउसिंग फाइनेंसिस फैमिली सपोर्ट एंड ऑक्यूपेशन। देन सेकंड आपके पास आ जाता है इसमें कि ये जो है रिटेनिंग सम पोर्शन ऑफ द फूड जो है, मतलब कि जो जब आप डिस्टल एम्पूटेशन परफॉर्म करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें प्रोस्थेसिस जो है वो आप अप्लाई करें, प्रोस्थेसिस के बगैर भी आप उसकी मोल्डिंग वगैरह करके या आप सॉकेट ना भी लगाएं तो आप उसकी सिर्फ मोल्डिंग कर दें, शेप मॉडिफाई कर दें, और एम्पूटेशन के बाद जो है मिनिमम एम्बुलेशन इस तरह से भी आप उसमें अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है बेयर लिम्ब एम्बुलेशन। बेयर लिम्ब एम्बुलेशन जो है वो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, आप कह लें कि शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ट्रैवल करने के लिए जो है उसके लिए, या एम्बुलेट करने के लिए, मोबिलिटी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए उसकी इसमें अचीव हो सकती है। डिस्टल एम्पूटेशन जो हैं वो जो हैं उसमें प्रोस्थेसिस लगाना लाजमी होता है टू अचीव अ नॉर्मल गेट एसोसिएटेड विद इंक्रीज फंक्शन एंड लेस एनर्जी कंजम्पशन। अब इसमें एक कॉमन आ जाता है डिसएडवांटेज, जिसमें स्किन ब्रेकडाउन हो सकती है। ये थे आपके बेनिफिट्स, अब हम डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसमें आपके पास आ जाती है स्किन ब्रेकडाउन। तो स्किन ब्रेकडाउन को आपने प्रिवेंट करना होता है कि वहाँ पे स्किन जो है रप्चर ना हो या उसकी टीयरिंग ना हो। उसके अलावा आपके पास इसमें आ जाता है कि जिन अल्सरेशन हो सकती है अगर वूंड की प्रॉपर केयर उसको गाइड ना की जाए, या वो उसको आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड ना करवा सकें कि वूंड की केयर किस तरह से करनी है। देन आपके पास इसमें आ जाता है अल्सरेशन में क्या क्या आ सकता है, सेंसरी डेफिसिट्स हो सकते हैं, सेंसरी लॉस भी कॉज हो सकता है अल्सरेशन अगर स्वेयर हो जाए। उसके बाद डिसवास्कुलर स्टेटस, उसमें आ जाएगी आपके पास इम्पेयर्ड सर्कुलेशन। थर्ड वन इज लैक ऑफ एडिक्वेट सॉफ्ट टिश्यू कवरेज, लैक ऑफ एडिक्वेट या लैक ऑफ सॉफ्ट टिश्यू कवरेज। और इसके अलावा आपके पास आ जाता है मस्कुलर इम्बैलेंस। तो ये डिसएडवांटेजेस आपके पास आ जाती हैं। फुट लेंथ डिस्क्रिपेंसी हो सकती है थर्ड वन। तो सॉकेट डिज़ाइन करते हुए हमेशा जो है नॉर्मल फुट के साथ कंपेयर करके फुट की लेंथ जो है वो नॉर्मल के लेंथ जितनी ही आपने रखनी है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं डिजिट या पार्शल डिजिट एम्पूटेशन। ये इसकी डिसएडवांटेजेस भी हो गई। फिर है आपके पास डिजिट और पार्शल डिजिट एम्पूटेशन। डिजिट से आपको पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ जो है मेटाटार्सल्स की जो है आप करेंगे एम्पूटेशन परफॉर्म, मतलब कि आप सिर्फ टोज में से किसी एक डिजिट या टो की जो है वो एम्पूटेशन परफॉर्म कर दें। उसमें आपके पास आ सकता है पार्शल टो भी आ सकता है कि आप या तो सिर्फ जो है डिजिट कंप्लीट डिजिट एम्पूटेशन परफॉर्म कर लें कि उसमें आपने पूरा टो को जो है वो कट करके या रिमूव करके, उसमें हैमर टो अगर डेवलप हुआ है डायबिटीज़ पेशेंट में तो आपने उसको रिमूव कर दिया
उसकी एम्प्यूटेशन परफॉर्म की अलॉन्ग विद द नेल नेल मैट्रिक्स नेल बेड सारा कुछ आपने रिमूव कर दिया और जो पार्शल डिजिट है उसमें आपने अगर नेल सिर्फ अफेक्टेड है तो आपने सिर्फ नेल को रिमूव कर दिया वहाँ से और ये आपकी पार्शल डिजिट एम्प्यूटेशन होगी। इसमें एम्प्यूटेशन लेवल जो है मेडिकल टीम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टू आइडेंटिफाई या डायग्नोज। फिर मेडिकल टीम के लिए इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ करना ज़रूरी होता है उसमें टेस्ट सबसे पहले आ जाता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपने जो है टिश्यूज़ की इमेजिंग या स्कैनिंग करनी होती है और देखना होता है कितनी परसेंटेज ऑफ टिश्यू जो है वो डेड हो चुका है। अल्ट्रासाउंड फ्लो मीटर भी इसको कहते हैं। उसके बाद सर्जिकल क्रेडो। सर्जिकल क्रेडो क्या चीज़ होती है? सर्जिकल क्रेडो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आप उसको बता दें, अंडरस्टैंड करवा दें पेशेंट को या उससे साइन करवा लें कि आपकी ये सर्जरी परफॉर्म करने जा रहे हैं हम, उसके ये बेनिफिट्स हैं, ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। तो मतलब आप उससे जो है आप अपने एक्शंस का जो है एक डॉक्यूमेंट, उसको गाइडिंग डॉक्यूमेंट दे दें, प्रोवाइड कर दें और उससे उसके सिग्नेचर या परमिशन ले लें, तो उसको सर्जिकल क्रेडो कहते हैं। फिर सिंगल डिजिट एम्प्यूटेशन ज़्यादा कॉमन है इसमें और एम्प्यूटेशन ऑफ स्मॉल टो जो है वो अफेक्ट जो है आपके गेट को मिनिमल इफेक्ट उस पर आता है। उसके बाद आपके पास ग्रेटर टो का जो है वो इंटरफेयर करता है आपके टर्मिनल स्टांस के साथ। ग्रेट टो या बिग टो जो है वो अगर एम्प्यूटेशन की जाए तो टर्मिनल स्टांस फेज ऑफ गेट जो है वो अफेक्ट होता है। नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने गेट साइकिल, गेट के सारे फेजेस जो हैं वो डायग्रामेटिकली भी आपने बनाने हैं, मतलब उसका फ्लो चार्ट एक बना लें या एक बॉडी इमेजिंग जो है उसमें फुट पे क्या क्या मूवमेंट्स हो रही हैं, कितनी डिग्री मूवमेंट हो रही है, वो सारा आपने मुझे दे के सबमिट कराना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है मोस्ट पीपल हैव सिंगल डिजिट एम्प्यूटेशन। जो सिंगल डिजिट एम्प्यूटेशन करवाते हैं उसमें आपके पास आ जाता है यूज़ ऑफ प्रोसेसेस। प्रोसेसेस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। एबनॉर्मल गेट अगर कंसर्न हो तो उसमें डिजिट फुट प्लेट यूज़ की जाती है विद रॉकर बटन शू स्केल। डिजिट फुट प्लेट विद रॉकर बटन। डिजिट फुट प्लेट क्या होती है? डिजिट फुट प्लेट ना एक कार्बन मटेरियल की प्लेट्स होती हैं, फ्लैट प्लेट्स होती हैं और उसमें एक रॉकर बटन होता है। रॉकर बटन क्या होता है? प्रॉक्सिमल टू मेटाटार्सल हेड्स ये लगा देते हैं टू बिल्ड अप सोल ओवर द मेटाटार्सल हेड्स एंड इम्प्रूव द पुश ऑफ इन इनफ्लेक्सिबल और वीक फुट। मतलब कि ये जो है आपके फुट को जो है वो पुश करता है टू अचीव क्या कहते हैं एनी मूवमेंट या कंप्लीट एनी मूवमेंट या इनफ्लेक्सिबल या वीक जो फुट है उसमें ये जो है ये बिल्डअप करता है या वेट बेयरिंग में थोड़ा सा हेल्प करता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है फुट प्लेट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल आर्च सपोर्ट करने में भी हेल्प करती है रिजिड फुट प्लेट। और उसके बाद कस्टम मोल्डेड फुट ऑर्थोसिस या प्रोसेसिस आ जाते हैं। टॉप लेयर इसमें जो है वो रिजिलियंट होती है और वो क्या करती है रिड्यूस करवाती है आपका प्लांटर प्रेशर। देन आपके पास टो फाइलर्स यूज़ किए जाते हैं, शू इंसर्ट्स होते हैं जिसमें आपके पास टो फाइलर या टो फिलर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। टो फिलर्स क्या होते हैं? टो फिलर्स बेसिकली प्रिवेंट करते हैं आपकी शू को फ्रॉम कोलैप्सिंग इन एन एरिया ऑफ एम्प्यूटेटेड डिजिट्स। मतलब कि वो आपके टो को जो है वो कोलैप्स करने से प्रिवेंट करते हैं, मतलब उस पर ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट नहीं होने देते एम्प्यूटेशन जहाँ परफॉर्म हुई होती है। और आप कह लें समझ लें कि एक सोल टाइप जो है वो आप अपने जूते के अंदर रख लेते हैं या सिर्फ मेटाटार्सल हेड्स को जो है वो नीचे से कवर कर रहा होता है और उससे क्या होता है वो एग्जर्ट नहीं होने देता उस पर ज़्यादा प्रेशर और इस तरह से वो सपोर्ट कर रहा होता है फुट को या टो को। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं पुअर टेक्टाइल सेंसेशन अगर फुट में होगी तो वेयरिंग उसमें क्या रिकमेंड कर सकते हैं? प्रॉपरली फिटेड शूज़ आप जो हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं। देन आपके पास आ जाते हैं सिंगल एंड मल्टीपल रे एम्प्यूटेशन। सिंगल एंड मल्टीपल रे एम्प्यूटेशन
इसमें क्या करते हैं, सिंगल और मल्टीपल रे में जो है कॉमनली सीन इन डिसवास्कुलर फीट में कॉमन है। उसके अलावा इसमें बोथ टो और मेटाटार्सल दोनों को रिमूव कर दिया जाता है। कस्टम मोल्डेड फुट ऑर्थोसिस यूज़ किए जाते हैं टू रिक्रिएट द मिसिंग वॉल्यूम ऑफ फुट। उसके बाद क्रिटिकल इशू इसमें ये है कि मेटाटार्सल का जो बैलेंस है ऑन द फोर फुट वो डिस्टर्ब हो जाता है इस एम्प्यूटेशन से। उसके अलावा आप इसमें कस्टम मोल्डेड शूज़ रिकमेंड कर सकते हैं। देन आपके पास आ जाते हैं ट्रांसमेटाटार्सल एम्प्यूटेशन। ट्रांस मतलब थ्रू, मेटाटार्सल थ्रू मेटाटार्सल इन्वॉल्व्स डायोफिजियल एम्प्यूटेशन थ्रू द फाइव मेटाटार्सल्स। मतलब के फाइव मेटाटार्सल जो हैं उनके थ्रू जो है वो एम्प्यूटेशन परफॉर्म की जाए। उसके बाद इसमें क्या होता है कि थिन बोनी फ्रेगमेंट्स जो हैं वो फोर्स क्रिएट करते हैं अगेंस्ट द डिस्टल स्किन क्लोयर, और इसमें लेट स्टांस फेज ऑफ गेट साइकिल जो है वो अफेक्ट हो रहता है। इसमें दो तरह के बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं, पेशेंट्स को रिकमेंड किए जाते हैं। उसमें इंसर्ट फिटेड टू द शू और सॉकेट फिटेड टू द पेशेंट। या तो प्रोसेसेस सॉकेट फिट कर दिया जाता है पेशेंट को एम्पुटेशन के बाद, या फिर इसमें शू इंसर्ट जो है वो रिकमेंड कर देते हैं। उसके बाद कस्टम मोल्डेड होना चाहिए एंकल फुट ऑर्थोसिस। इसमें टो फिलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। शू जो है वो क्लोज प्रॉपरली क्लोज्ड होना चाहिए और हाई मतलब एक्सटेंड होना चाहिए टू द डॉर्सम ऑफ फुट। पूरे डॉर्सम ऑफ फुट को कवर करना चाहिए उसको। और इसमें लेसेस या हुक्स या पाइल स्ट्रैप्स होने चाहिए जो आपके हाई क्वार्टर शू या एक्सटेंड करें अप टू मेलियोलाई। उसके बाद इसमें आपके पास आ जाता है स्लाइडिंग जो है वो कॉज कर सकती है डिस्कम्फर्ट एंड लीड टू अल्सरेशन एंड फर्दर सर्जरी। इसीलिए हाई शू जो है वो रिड्यूस करता है मोशन बिटवीन द फुट एंड द अप्लायंस। फिर उसके बाद अदर टाइप ऑफ ट्रांसमेटाटार्सल डिवाइस जो इसमें यूज़ की जाती है वो है सॉकेट फिटेड टू द फुट। उसमें डिफरेंट डिज़ाइन यूज़ किए जाते हैं जिसमें है प्लास्टर मोल्ड ऑफ रेजिडुअल लिम्ब, और सॉकेट जो है वो सिलिकॉन पॉलीयूरेथेन थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक्स लेदर या कम्बिनेशन ऑफ दीज मटेरियल से जो है वो बना होता है। एम्प्यूटेशन अगर ट्रॉमेटिक होगी तो सॉकेट जो है वो अलाइनमेंट उसकी फुट पे नॉर्मल हो मिलेगी आपको। लेकिन अगर इनसेंसेट फुट होगा मतलब कि उसमें ब्लड सप्लाई जो है या फुट जो है वो इनसेंसिटिव है कि उसमें इम्पेयर ब्लड सर्कुलेशन मिल रही है, तो उसमें जो है एबनॉर्मल अलाइनमेंट होगी। सॉकेट जो है एकोमोडेट करेगा डिफॉर्मिटी को और सॉकेट जो है उसको आप फिट करते हैं प्रॉपरली अटैच टू सेमी रिजिड फुट प्लेट विद अ टो फिलर। फिर उसके बाद आपके पास है लिस्फ्रैंक एम्प्यूटेशन। लिस्फ्रैंक एम्प्यूटेशन क्या है? डिसआर्टिकुलेशन ऑफ टार्सो मेटाटार्सल ज्वाइंट को कहते हैं। अब आपने एक और छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन डिसआर्टिकुलेशन एंड एम्प्यूटेशन। उसके बाद डिसआर्टिकुलेशन इसमें करते हैं ऑपरेटिव साइट जो है वो मिनिमल ब्लीडिंग वहाँ पे होनी चाहिए, और इसके अलावा फुट जो है वो डेवलप करना फुट जो है इसमें कॉम्प्लिकेशन है कि इक्विनस कॉन्ट्रैक्चर डेवलप कर लेते हैं आफ्टर लिस्फ्रैंक एम्प्यूटेशन। इक्विनस कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है? इनएबिलिटी टू ब्रिंग फुट अप टू अ न्यूट्रल पोजिशन ड्यू टू टाइटनेस ऑफ मसल, कि मतलब वो न्यूट्रल पोजिशन में नहीं फुट को मेनटेन कर पाता या ला नहीं पाता प्लांटर फ्लेक्शन या डॉर्सिफ्लेक्शन से, उसको आप कहते हैं इक्विनस कॉन्ट्रैक्चर। उसके बाद फेल्ड लिस्फ्रैंक एम्प्यूटेशन जो है अगर कॉम्प्लिकेशन कोई कॉज हो जाए और एम्प्यूटेशन जो है वो आपकी प्रॉपर परफॉर्म ना हो सके, फेल्ड एम्प्यूटेशन हो, तो वो लीड करती है टू मजीद जो है फर्दर डैमेज ऑफ द टिश्यू या जॉइंट। क्यों? क्योंकि जो है फेल्ड एम्प्यूटेशन जो है उसको सेव करना दोबारा से रीसेव करना पॉसिबल नहीं है एट द टू द साइम लेवल एम्प्यूटेशन। उसके बाद मॉडरेटली एक्टिव पेशेंट जो है वो उसको आप अप्लायंस रिकमेंड कर सकते हैं इन अ शू दैट एक्सटेंड्स अबव द एंकल टू रिटेन द प्रोसेसिस ड्यूरिंग स्विंग फेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट स्टांस फेज। मतलब उसके स्विंग और स्टांस फेज को प्रमोट करने के लिए जो है आप उसको कह सकते हैं कि शू इंसर्ट यूज़ करें या इस तरह का हाई शू यूज़ करें जो मेलियोलाई तक जो है वो एक्सटेंड हो रहा हो और डॉर्सम को सपोर्ट कर रहा हो फुली। एक्टिविटी अगर लिमिटेड होगी तो उसमें प्रोसेसेस रिकमेंड करेंगे। उसके अलावा डिस्टल एंड ऑफ सॉकेट जो है उसमें लाइनर होना चाहिए टू प्रोटेक्ट द एम्प्यूटेशन लिम्ब फ्रॉम हाई प्रेशर कंसनट्रेशन बोनी एरियाज। रिजिड प्रोसेसेस यूज़ करेंगे जो वेट बेयरिंग में भी हेल्प करेगा। कार्बन फाइबर जो है वो फुट प्लेट में कार्बन फाइबर मटेरियल यूज़ हुआ होता है टू रेजिस्ट टो ऑफ फोर्सेस
फिर टो एक्सटेंशन जो है वो आप उसको करवा सकते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन उसको कहेंगे, एक्सरसाइजेज में आप कर सकते हैं। देन आपकी आ जाती है कोपार्ट एम्प्यूटेशन, व्हाट इज कोपार्ट एम्प्यूटेशन, तो डिसआर्टिकुलेशन एट द मिड टार्सल ज्वाइंट थ्रू द टेलो नेविकुलर एंड कैल्केनियो क्यूबॉइड ज्वाइंट्स, उसको कहते हैं आपको पार्ट एम्प्यूटेशन। इसमें मस्कुलर इम्बेलेंस हो सकते हैं, और मस्कुलर इम्बेलेंस क्या करेगा, टू लिम्ब को इक्विनस डिफॉर्मिटी में जो है वो लीड कर देता है, उसमें आपके पास आ जाता है, ये एक्सपोज कर देगा इक्विनस डिफॉर्मिटी की वजह से आपका एंटीरो डिस्टल एंड टू एक्सेसिव प्रेशर, और एचेस टेंडन लेंथनिंग जो है वो प्रिवेंट करती है आपकी इक्विनस को टू अक्कर। उसके अलावा शू इंसर्ट विद फुट प्लेट एंड टो फिलर या शू सोल या कॉन्ट्रालेटर शू सोल जो है वो आप इसमें रिकमेंड कर सकते हैं। और उसके लास्ट में आपके पास आ जाती है साइम्स एम्प्यूटेशन, लास्ट वन इज साइम्स एम्प्यूटेशन। साइम्स एम्प्यूटेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है कॉमनली यूज़ होती है। इसमें जो है एनेस्थीजिया या एंटीबायोटिक्स के वाइड स्प्रेड यूज़ की वजह से जो है फुट डिस आर्टिकुलेशन परफॉर्म की जाती है टू डायाफिजल एम्प्यूटेशन, बिकॉज मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी वर लेस इफ़ द कार्टिलेज वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड, मतलब अगर कार्टिलेज जो है वो अफेक्टेड नहीं है तो उसमें आप साइम्स एम्प्यूटेशन परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू द लेवल ऑफ एंकल जॉइंट। उसके अलावा इसमें हील पैड जो है वो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको रिमूव नहीं किया जाता, उसको सेव कर लिया जाता है टू द डिस्टल एंड, और डिस्टल एंड बियरिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। मेजर बेनिफिट इसका जो है वो ट्रांसटिबियल एम्प्यूटेशन जो है उस पर उसके साथ नलीफाई हो जाता है। उसके बाद ये शॉर्टर देन द इसमें शॉर्टर देन द कॉन्ट्रालेटरल इंटैक्ट लिम्ब, पेशेंट जो है वो एम्बुलेशन में उसको ईजीनेस होती है या कन्वीनियंस मिलती है इस वजह से फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेज, एज्यूमिंग द एब्सेंस ऑफ वास्कुलर डिजीज़। अगर वास्कुलर डिजीज़ के साथ पेशेंट नहीं आया तो एम्बुलेशन उसके लिए पॉसिबल है या ईजी रहती है। हील्ड एम्प्यूटेशन वूंड, उसको वूंड केयर आपने प्रॉपर तरीके से बतानी है, डिस्टल बोन्स जो हैं उनको सेक्शन कर दिया जाता है पैरेलल अरेंजमेंट में विद द फ्लोर एंड वेल सिक्योर्ड फैट पैड। लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी का ख्याल रखना है, सॉलिड एंकल कुशन हील SACH जो है वो इसमें सॉलिड एंकल कुशन हील इसमें रिकमेंड की जाती है टू प्रोटेक्ट या सपोर्ट हील पैड। उसके अलावा इसमें आ जाती हैं कोपार्ट प्रोस्थेसिस में जो है कनेक्शन बिटवीन द सॉकेट एंड द फुट जो है वो रिजिड होता है, लेकिन इसमें जो है आप प्रॉक्सिमल ट्रिम लाइन या बॉर्डर, एक वेल डिफाइंड डिमार्केटेड बॉर्डर जो है वो इसमें बना देते हैं। कैनेडियन सॉकेट यूज़ किया जाता है जिसकी विंडो होती है फॉर डॉनिंग एंड डॉफिंग प्रोसेसेस। डॉनिंग और डॉफिंग का मतलब है कि पुट ऑन या रिमूव, तो मतलब सॉकेट जो है वो ईजिली वो वेयर कर सके और ईजिली रिमूव कर सके जब उसने रिमूव करना हो। फिर उसके बाद आपके पास ब्लैडर टाइप सॉकेट एक आ जाता है, वो शेप उसकी इस तरह से होती है कि उसके अंदर सॉकेट जो है वो फिट हो जाता है, ऐसे कप शेप्ड होगा, ऊपर से ओपन होगा और उसके अंदर जो है वो आके आपका सॉकेट फिट हो जाता है। फ्लेक्सिबल सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है या पॉलीयूरेथ्रेन का बना होता है, और इसमें सस्पेंशन जो है वो प्रमोट ये करता है। रिजिड सॉकेट यूज़ किया जाता है विद सॉफ्ट इंसर्ट, और इसमें विंडो होती है, इट इज़ शेप टू कन्फर्म द कंट्रोल of the malleoli to provide suspension, और limb के लिए difficult होता है to fit if end bearing जो है intolerable हो, range of alignment इसमें limited होती है। उसके अलावा इसमें जो है socket is difficult to adjust to accommodate soft tissue atrophy, मतलब इसमें atrophy भी ये cause कर सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक रिहेबिलिटेशन ऑफ एडल्ट्स विद लोअर लिम्ब एम्प्यूटेशन, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्यूटेशन पढ़ी। पहले हमने बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्टल एम्प्यूटेशन देखा, फिर हमने डिजिट एंड पार्सल डिजिट एम्प्यूटेशन देखी, उसके बाद हमने साइम्स एम्प्यूटेशन पढ़ी, उसके अलावा हमने ट्रांसमेटाटार्सल एम्प्यूटेशन देखी, लिस्ट फ्रैंक एम्प्यूटेशन, कोपार्ट एम्प्यूटेशन, साइम्स एम्प्यूटेशन, और हम लोगों ने इसमें इस ये सारी टाइप्स एम्प्यूटेशन की पढ़ी, और उसमें किस किस तरह से जो है वो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं, और उसमें सॉकेट डिज़ाइनिंग किस तरह से होती है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, गेट साइकिल के कौन कौन से फेजेस इफेक्ट होते हैं, और डिसआर्टिकुलेशन और एम्प्यूटेशन का डिफरेंस आप लोगों ने अब मुझे बताना है कि वो क्या होता है। इसके अलावा गेट साइकिल जो है उसकी असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे सबमिट करानी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।